हेलो डियर स्टूडेंट्स तो आज हम देखेंगे द थिप स्टोरी रिटर्न बाय रस्किन बॉन्ड रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट और वो ही लिव्स विद हिज अडॉप्टेड फैमिली इन लैंडोर इन मसूरी दैट इज़ इंडिया द इंडियन काउंसिल फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन हैज़ रिकगनाइज हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेंस Literature in India, and he also got the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dahira for his published work in English. He was awarded uh, the Padma Shri in 1999 and Padma Vibhushan in 2014. This is a very brief uh, description of the writer, the story writer, as such. The very story we are going through today. Uh, is a wonderful story. No, this is a story of uh, attitude and recognition. This is a story of recognition and realization. This is a story of belief and transformation. This is a story of humanity in general. As earlier I had already mentioned the very thing that. What we learn from literature is nothing but the cross cutting issues, and these cross cutting issues are very important when we live the actual life, the real life. It is expected that uh, we should become a good human being of whatever we are learning, and if you don't become a good human being, then there is no point in learning there is no point in getting ranks there is no point in getting more marks there is no point in being toppers so it becomes very important for the students to learn literature to read literature to listen the stories of literature so that you and i or i and you could become गुड ह्यूमन बींग्स सो देर वॉज अ वार्मिंग वार्मिंग अप सेशन बिफोर द एक्चुअल स्टोरी वी कंटिन्यू विथ वार्मिंग अप सेशन में हमें एक बात दी गई है एंड दैट थिंग इज दैट लोकेश है टॉपर क्लास टॉपर इन टेस्ट एंड एग्जामिनेशन एक लड़का है जिसका नाम है मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ लोकेश नाम का लड़का है जो हमेशा uh, स्कूल की जो एग्ज़ाम्स और टेस्ट होती है उसमें टॉपर आता है लेकिन उ एवर इन वेरिएबली यूज फॉल मीन कौन से प्रॉब्लम विद ऑलमोस्ट एंटायर आर एजुकेशन सिस्टम हमारी संपूर्ण एजुकेशन सिस्टम में रैंक्स को मार्क्स को इतना ज्यादा महत्व दिया गया है कि अच्छे बच्चे भी और सामान्य बच्चे भी किसी तरीके से ज्यादा से ज्यादा मार्क्स पाने की कोशिश में लगे थे तो तो किसी तरीके से में क्या होता है दिस फॉल मीन्स दे आर जनरली अप्रूव्ड विच इज नॉट अ गुड थिंग एट ऑल दिस इज द वर्स्ट थिंग मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर हम कॉपी करते हैं अगर आप कॉपी करते हो तो दिस इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी नो इट इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी यह शुरुआत होती है हमारे क्रिमिनल माइंड की अगर हम कॉपी करते हैं तो और कॉपी किसी भी तरीके की हो सकती है मैं इस पर आज ज़्यादा बात नहीं करूंगा फिर कभी आपको समझाऊँगा कि कॉपी करना और अलग अलग ढंग से कॉपी करना किसी के पेपर में झांक कर देखना पीछे मुड़कर देखना किसी के पेपर को कॉपी करना साथ में चीट लाना मोबाइल का इस्तेमाल करना ये सारी चीटिंग्स के बहुत ही खराब गंदे तरीके हैं जो आपको हाई रैंक्स तो दे सकते हैं लेकिन आपको कभी भी गुड ह्यूमन बींग गुड गुड ह्यूमन कभी भी ग्रो नहीं कर सकते और लोकेश भी ऐसा ही है, जो हमेशा आ रहा है हमेशा वो अच्छे मार्क्स ला रहा है लेकिन उसके लिए वो काम क्या कर रहा है गलत तरीके से इन मार्क्स को पा रहा है एक दिन क्या हो जाता है लोकेश को पता चलता है रियलाइज नो no, मैंने पहले ही कहा था दिस इज दी ऑफ रियलाइजेशन लोकेश रियलाइज दैट हिज क्लासमेट्स एंड फ्रेंड और उसका जो दोस्त है फरहान और उसके क्लासमेट ने क्या कर लिया दे प्रिपेर फॉर मैथमेटिक्स इंस्टिट ऑफ हिस्ट्री और फरैट हैड बिकम वेरी डेस्परेट देन और फरहान परेशान हो जाता है डेस्परेट हो जाता है मी ही फील्स वेरी बैड फॉर कि यार इट्स दिस्ट्री एग्जामिनेशन बट आई हैव प्रिपेड फॉर मैथ्स So Lokesh offered to let him copy from his answer sheet since faran sat just behind. faran उसका दोस्त है वो उसके exactly पीछे बैठा हुआ है तो लोकेश को जब पता चलता है कि फरहान ने भी दूसरे उसके क्लासमेट्स की तरह मैथ्स की पढ़ाई कर ली है जबकि एग्जाम हिस्ट्री की है तो उसको कहता है कि यू जस्ट कॉपी फ्रॉम my साइड you नो मेरे पेपर में से बट फरहान refused. ही सेड It's all right even, I, even if I I get zero, but I can call it my own zero. I do not want to score a single mark unearned. Cheating in exams is for cowards, not for me. एग्जाम का जवाब इतना मस्त इतना सटीक है अगर इस संपूर्ण कथा में से जो अभी हमने शुरुआत नहीं की है इसमें से अगर हम इतना भी सीख लेते हैं कि फरहान कहता है कि इवन दो आई गेट जीरो दिस विल बी माई जीरो आई डोंट वॉन्ट टू स्कोर अ सिंगल मार्क अनड नो जो मैंने खुद कमाया नहीं है जिसके लिए मैंने पढ़ाई नहीं की है ऐसा एक मार्क भी मुझे नहीं चाहिए यू नो आई एंड देन देरी इंपॉर्टेंट कोटिश इज दैट चीटिंग इज फॉर कॉवर्ड्स जो बुजदिल होते हैं जो डरपोक होते हैं वो चीटिंग करते हैं नॉट मी

the very story that is the thief story written by ruskin bond the uh, indian author of british descent was awarded with great awards like sahitya academy award then was awarded with padma shri and padma vibhushan padma Bhushan in 19 uh, in 2014 1992 uh, as such

भी मैं एक चोर था आई वॉज ओनली फिफ्टीन बट आई वॉज एक्सपीरियड एंड इन चीटिंग एज पंद्रह ऐसी एज होती है जिसमें आप बहुत अच्छे भी हो सकते हो और बहुत बुरे भी हो सकते इट इज ऑल अप टू यू हाउ यू टेक थिंग्स इन टू योर लाइफ वॉट यू थिंक व्हाट यू रियलाइज व्हाट यू डू इन ऑर्डर टू हैव अ प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ एंड एजुकेशन का मतलब ही ये होता है कि हमारी जिंदगी में एक सही तरीके से बदलाव हो हमारे बर्ताव में सही तरीके से बदलाव हो हमें अच्छे और बुरे की समझ मिल सके राइट एंड रॉन्ग वी मस्ट

Past continuous tense ok. You know, I was only uh, 15 is again the past tense. I was an experienced and fairly successful hand again, is a matter of simple past tense. So, the story we see in past tense, ok, because it is a narration of some past experiences of the thief, and so it is entitled as

Very simple after I saw him. And so he had the very thought in his mind that it was enough. Enough for what? For my purpose. What is the purpose of the thief? Is to cheat, is to deceive, is to steal something from the person like Anil, who is very easygoing, kind, and simple as such. Um, I will not be telling you the story line by line actually. line by by line actually कहानियों को हमेशा के लिए हम कैसे याद रखें और दूसरों को भी कितने आसानी से बताएं। okay? तो इस को हम ऐसे देखकर बता सकते हैं कि देर वॉज अ ओके okay, जैसे मैं आपको अभी थर्ड पर्सन प्रोनाउन में बताऊंगा देयर वाज थर्ड पर्सन नरेशन में बताऊंगा देयर वाज अ थिप हु वाज ट्वेंट फिफ्टीन इयर्स ओल्ड एंड इवन दो ही वाज ओनली फिफ्टीन ही वाज वेरी एक्सपीरियंस्ड ओके ही मेट अ पर्सन नेमली अनिल अनिल वाज वेरी इजी गोइंग पर्सन वेरी काइंड पर्सन वेरी सिंपल पर्सन सो द थॉट हैज हैड कम इन द माइंड ऑफ द Thief that oh it's good that this man is like this so that I can easily deceive him and then when these two things are there that there is a clear purpose of this thief is to cheat Anil and Anil did not know anything of it because Anil is a simple man a kind man a easy going man. पर एक कॉमेडी होती है नो सो ही ट्राइड टू मेक समरी लिटिल फ्लैटरी विद अनिल अनिल को जब आई से फ्लैटरी मेकिंग फ्रेंड्स यू लुक अ बीट ऑफ अ रेस्लर यूर सेल्फ वो क्या कहता है बीट ऑफ अर योर सेल्फ कि तुम किसी पहलवान के जैसे दिखते हो ना He He is telling it to Anil. Our voice uh, so do you? He replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. और जैसे वो Anil को एड़ा बनाने के लिए मूर्ख बनाने के लिए उससे दोस्ती करने के लिए ये कहता है कि ओ, तुम तो एकदम wrestler के जैसे दिखते हो तो अनिल भी कहता है हाँ तुम भी रेस्तर के जैसे दिखते हो और इस बात से वो एकदम से सहम जाता है क्योंकि तब वो बहुत ही थी, ज्यादा थीन है ही सेट दैट कि आई वॉज रादर अ थीन पर्सन थीन मैन और वो सहम जाता है वेल आई सेट मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट और फिर इंस्टीट ऑफ टेकिंग हीज रिप्लाई

फॉर्मर एम्प्लॉयर्स मीन जो पहले उसके एम्प्लॉयर्स है जिन्होंने उसको काम पर रखा था उनसे छुटकारा मिल पाया इसलिए वो हमेशा अपना नाम झूठ बताया करता था नॉ माई पॉइंट इज दैट इंस्टिड ऑफ़ टेकिंग यू अड ऑफ द स्टोरी देर इज़ अ काइंड ऑफ हमीनोटिक्स हमीनोटिक्स ये तो मैं आज ही आपको बता देना चाहता हूँ क्योंकि इसके बाद आप बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हो हमीनोटिक्स का मतलब होता है द सस्पेंस इन अ स्टोरी राइटर क्या करता है स्टोरी में एक सस्पेंस को बनाए रखता है अब आगे क्या होगा ये क्या कहेगा क्या उनमें दोस्ती होगी अगर दोस्ती होगी क्या उसे काम देगा तो काम देगा तो क्या चोर उसे फंसा पाएगा चीट करेगा अगर चीट करेगा तो फिर अनिल पर क्या असर होगा या फिर चोर पकड़ा जाएगा या फिर अनिल उसे मारेगा या फिर चोर के पुलिस के हवाले करेगा ऐसे बहुत सारे सवाल कहानी आगे बढ़ने से पहले ही आपके दिमाग में राइटर uh, रखता है और राइटर अगर ऐसे सवाल आपके दिमाग में रखने में कामयाब होता है तो ऐसी कहानी भी कामयाब कहानी कही जाती है सच स्टोरीज स्टोरी इज कॉल्ड अ वेरी सक्सेसफुल स्टोरी इफ राइटर कैन मेंटेन दिस हमिनोटिक्स एंड द रीडर्स आर द ऑडियंस इज एनग्रोस्ड विद दिस ऑडियंस इसके साथ एनग्रॉस हो जाती है खो जाती है आपने देखो ना टेलीविजन पर हमारी जो सीरियल लगती हैं तो वो एंड कहाँ पर होती है अब आगे क्या होगा क्या सास अपनी बहू को स्वीकार पाएगी you know, क्या बालवीर दुश्मन का खात्मा कर देगा you know, या फिर अब दोनों में झगड़ा हो गया है तो इस झगड़े को कैसे निपटाया जाएगा कौन इसको इसमें सुलह कर देगा एंड मच मोर थिंग्स आर हिडन फ्रॉम द ऑडियंस सो दैट द ऑडियंस विल वॉच द सेम एपिसोड द नेक्स्ट डे इसी तरीके से कहानियां भी होती है अब यह कहानी हो गई है भाई कि जो थीप है जो पंद्रह साल का है वो ट्वेंटी फाइव ईयर्स ओल्ड अनिल को चीट करने के लिए उससे दोस्ती करना चाहता है उसके पास काम को रहना चाहता है इसलिए उससे बात करने की उसने शुरुआत की है और जैसे ही अनिल ने नाम पूछा है कि वॉट इज़ योर नेम तो अपना नाम उसने झूठ शुरू कर दिया है इसका मतलब उसकी दोस्ती की शुरुआत उसकी काम को लगने की शुरुआत ही झूठ से है जो कि बहुत ही खराब इशू है एक्चुअली नो दैट नथिंग शुड बिगिन इन आवर लाइफ विद अ लाई ये आपको सीखना पड़ेगा बिकॉज आप अभी बच्चे हो छोटे हो बड़े आसानी से आप एवे ही मजाक में भी झूठ बोलते होंगे तो बंद करना पड़ेगा अब आप आपको ये झूठ बोलना क्योंकि झूठ बोलने से हमारी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है हमें इसकी आदत पड़ जाती है और जब आदत पड़ जाती है तो फिर हम आगे बढ़कर एक झूठे इंसान हो जाते हैं चाहे आप सक्सेसफुल ही क्यों ना हो लेकिन ऐसे सक्सेस का कोई मान ही नहीं होता है अगर उस सक्सेस में आपके बहुत सारे झूठ हैं बहुत सारी चीटिंग्स हैं आपका दूसरों को चीट करना है तो दैट सक्सेस इज नॉट बी काउंटेड अ फेयर सक्सेस एज सच ओके अस मूव फर्दर और फिर दोनों जब मिलते हैं तो क्या होता है दोनों में अब क्या बातें होगी क्या दोनों साथ में रहेंगे विल दे लिव टूगेदर तो इसका जवाब अगर मैं देता हूं कि यस दे विल विल अनिल अलाउ हिम टू बी विद हिम इसका जवाब मैं दूंगा कि यस देन वॉट हैपन्स बिटवीन द टू यू नो एंड देन वॉट हैपन्स बिटवीन द टू इज द कॉर एलिमेंट ऑफ द स्टोरी यह हमारी कहानी का कर्नल एलिमेंट है कॉर एलिमेंट है नो कॉर एलिमेंट वी कॉल इट कॉर एलिमेंट सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी वॉट हैपन्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टू क्वेश्चन आर देयर कि डज द थीप गेट सक्सेसफुल इन चीटिंग अनिल क्वेश्चन मार्क क्या अनिल को फंसाने में वो कामयाब हो जाता है देखना पड़ेगा और अगर कामयाब नहीं होता है तो क्या वो पकड़ा जाता है देखना पड़ेगा अगर कामयाब हो जाता है तो क्या कहीं और चला जाता है देखना पड़ेगा दिस थ्री आर द कॉर एलिमेंट्स ऑफ दिस स्टोरी और ये हमारा हार्मोनोटिक्स बन गया है अब अब सस्पेंस क्रिएट हुआ है कहानी में नो देर इज अस्पेंस इन द स्टोरी वॉट विल अस सी And after this introduction, Anil talked about a well oiled wrestler, wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. So there is a dialogue between the two, no? So he says that my, um, I have a smile, the most appealing smile, no? वॉट इज दिस मोस्ट अपीलिंग स्माइल जो दूसरों को चीट करते हैं बहुत बार वो लोग बहुत ही आकर्षक स्माइल अपने चेहरे पर ला सकते हैं बिकॉज दे हैव इन देअर माइंड चीटिंग चीटिंग आदर्स सो दे डिवेल्प दिस स्किल ऑफ स्माइलिंग दे डिवेल्प दिस स्किल ऑफ कम्युनिकेशन दे डिवेल्प दिस स्किल ऑफ चीटिंग आदर्स ये सारी बेकार की बातें हैं नेचुरल इज ऑलवेज नेचुरल आपका एक इंस्टिंक्ट होता है इस कहानी में भी हम देखेंगे दैट इंस्टिंक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपका इंस्टिंक्ट सही है तो आप कभी भी चेंज हो सकते हो आप में कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है सो so वॉट no uh, me? तो ठीक है पे नहीं कर सकते बट कैन यू फीड मी तो अनिल बोलता है कि कैन यू कुक आई कैन कुक आई लाइट अगेन वो दूसरा फिर से झूठ बोलता है कि वो क्या कहता है आई कैन कुक आई लाइट अगेन पहला झूठ क्या था अपना नाम झूठ बताया था उसने राइट ही सेड दैट माय नेम इज हरी सिंह और दूसरा झूठ बोला कि यस आई कैन कुक इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू और फिर बोलता है कि ठीक है अगर तुम कुक uh, कर सकते हो कुछ बना सकते हो खाना पका सकते हो देन आई कैन फिड यू ही टुक मी टू इज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बाल्कनी बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट टेरिबल बिकॉज अनिल गेव अप इट टू अट्रेड ऑग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ और उस रात जब मैंने खाना पकाया नो दिस इज एन इंसिडेंट दैट वाई ही सेट दैट आई कैन कुक इज अफ बिकॉज दैट नाइट फेनी कुकड it was terrible it must have been terrible he says because anil had given it to the stray dogs so unko diya. and told me be, uh, to be off but i just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing and uh, he said to uh, be away from me no don't, don't be with me but again i used my most appealing smile

Anil pat patted on the head and said, oh, Okay, never mind. He would teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers. Yes, important. You know, this is the most important thing of the story. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों आप इसको पॉइंट आउट करके रखें क्योंकि आखिरी में इस बात का खुलासा जरूर होगा चोर like no ऐसा कह रहा है आई वॉज ग्रेटफुल आई न्यू दैट वंस आई राइट लाइक एन एडुकेटेड मैन देर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव सो वेरी थीप ऑफ फिफ्टीन ईयर ओल्ड न्यू द वेरी फैक्ट दैट इफ आई कूड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देर वी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव ये बात को आपको दो तरीके से समझना पड़ेगा अगर आदमी पढ़ लिख लेता है और वो अच्छा है तो उसको सक्सेस पाने की कोई लिमिट नहीं हो सकती है और दूसरी एक बुरी वाली बात है अगर आदमी पढ़ा लिखा है और वो चीट करने लग जाता है तो बहुत बुरी तरीके से लोगों को चीट कर सकता है और फिर हम आगे क्या होता है वाट हैपन्स बिटवीन अनिल एंड द थीव दैट वी सी इन द सेकेंड पार्ट ऑफ इट हम इसको कल दूसरे हिस्से में देखेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर इसे लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वॉचिंग एंड Keep studying. Thank you.